नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा में 100 केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 28 नवंबर से की जाएगी। जरूरत पड़ने पर केंद्रों की संख्या बढ़ेगी। 3,50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी का है अनुमान। केंद्रों में सभी तैयारियां हुई पूरी। खेल मैदान को लेकर शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंचा। भूतपूर्व सैनिक का आरोप, गांव का सरपंच बेवजह कर रहा परेशान। पुलिस कप्तान जांच कराकर उचित कार्रवाई करें। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश के साथ रीवा में एनसीसी दिवस रीवा के मार्टन स्कूल में मनाया गया। हम आपको बता दें, हर साल नवंबर के चौथे रविवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई एनसीसी टीम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। रीवा प्रयागराज मार्ग में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा। रीवा से जा रहे ट्रक ने कलवारी मोड़ में ढाबे के पास 4 बसों को मारी ठोकर, 2 बसें पलटी। मौके पर गढ़ पुलिस पहुंची। बेहतर बात, कोई हताहत नहीं। देश में खाली पड़े 60 लाख पद तत्काल भरे जाएं। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति ने एक दिन का धरना दिया। प्रधानमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंप तत्काल कार्रवाई की मांग की। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।